चिकित्सालय में स्थित प्रसूति वार्ड की शिकायत लेकर पहुंचे नागरिक। आपको बता दें कि प्रसूति वार्ड आए दिन चर्चाओं में बना रहता है। अभी कुछ दिन पूर्व एक प्रसूता को सीरियस बताकर भोपाल रेफर कर दिया गया था, जिसके बाद रास्ते में ही जननी एक्सप्रेस में उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी। वहीं ऐसा ही एक मामला 19 तारीख का है, जिसको लेकर प्रसूता के परिजन आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। परिजनों का कहना है कि प्रसूता को सीरियस बताकर प्रसूति वार्ड के डॉक्टरों द्वारा भोपाल या ग्वालियर रेफर करने की बात कही गई और कहा कि यहां डिलीवरी नहीं हो सकती, जिसके बाद प्रसूता के परिजन एक निजी हॉस्पिटल लेकर गए, जहां प्रसूता की नॉर्मल डिलीवरी हो गई, जिसकी शिकायत लेकर आज प्रसूता के परिजन कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा। उनका कहना है कि प्रसूति वार्ड में डॉक्टरों द्वारा मरीजों का सही ढंग से इलाज नहीं किया जाता और ना ही ठीक से व्यवहार किया जाता है। वहीं बेवजह उन्हें बाहर रेफर कर दिया जाता है, जिसकी जाँच होनी चाहिए। हमारी डिलीवरी होना थी, हम सरकारी हॉस्पिटल में गए थे, तो वहाँ से ये मैडम डॉक्टर मैडम जो ड्यूटी पे थी और उनके घर पर जाके भी मिले, तो उन लोगों ने बता दिया कि अब यहाँ पे व्यवस्थाएँ नहीं है, आप लोग तो ग्वालियर या भोपाल के लिए जाएँ, और उन्होंने रेफर भी कर दिया हम लोग, नहीं अब यहाँ तो हो ही नहीं पाएगा। और वही हम तो घबरा गए थे, लेकिन हमारे मित्र वगैरह थे तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं होगा, प्राइवेट में जाके हमने करवाया तो बिल्कुल सामान्य तरीके से हुई। तो आप शिकायत दर्ज कराने हैं? हम शिकायत करने के लिए आए हैं, यहाँ पे ज्ञापन भी दिया हमने। ये जिला अस्पताल का जो मैटरनिटी वार्ड है, वहाँ पर जिस तरीके से अमानवीय व्यवहार भर्ती होने वाले मरीज और उनके पेशेंटों के साथ किया जाता है, तो उसी के संबंध में आज हम लोग कलेक्टर मैडम से मिले और उनको एक ज्ञापन दिया है। हमारे ऑटो चालक भाइयों की तरफ से संजीव जैन जो हमारे ऑटो चलाते हैं, उनके पत्नी को 19 तारीख को डिलीवरी का हुई थी, तो उस समय ये हॉस्पिटल में ले गए थे, तो उसमें क्या हुआ है कि वहाँ पर इनको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया, उनको है ना वहाँ से ये बदला दिया गया कि जहाँ पर डिलीवरी होगी नहीं और नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, तो इनको है ना ये फिर वहाँ से उनको ले कर हॉस्पिटल से बाहर चलेगा और इनको ऐसा बता दिया गया कि जहाँ पर नहीं होगी ग्वालियर या भोपाल लेके जाएं, और फिर वो दूसरी हॉस्पिटल में गए तो वहाँ नॉर्मल डिलीवरी हो गई। तो वहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जिला अस्पताल में जो मैटरनिटी वार्ड है, जिस तरीके से वहाँ डॉक्टर लोग रिश्वतखोरी करते हैं और जो रिश्वत नहीं देते उनके साथ है ना पैसे के नाम, तो उनको वहाँ से गंभीर मामला बना के उनको रेफर कर दिया जाता है। तो हमने आज ये कलेक्टर मैडम को ज्ञापन दे के ये मांग की है कि ये जिला अस्पताल का जो प्रसूति वार्ड में इस तरीके से जो गंभीर जो कृत्य करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।